हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज टाइटल से, थंबनेल से आप लोग समझ गए होंगे किस चीज़ के ऊपर आज का व्लॉग है। तो जी, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो शादी में कुछ सामान आया था हमारे लिए, मतलब यस्सू के लिए, मेरे लिए, यसु के पापा के लिए और छोटे बाबू के लिए। ठीक है, वो सामान मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। क्या है कि ना, लेने देने का तो कोई भूखा नहीं होता, ना ही कोई ओड होता है, ना कि अभी किसी से डिमांड करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। और कोई डिमांड करता है तो उसको देना भी नहीं चाहिए। ठीक है तो फिर भी मतलब एक मनुहार, मतलब दूसरे को अच्छा लगे तो कोई, हम सभी लोगों को, मतलब सभी लोग ही देते हैं एक दूसरे को गिफ्ट। तो बस थोड़े बहुत जो कुछ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप तब भी कमेंट आए थे और अभी भी कमेंट आ रहे हैं कि दीदी शादी में क्या क्या मिला आपको, क्या क्या तोहफे मिले। तो चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, और हाँ, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, मैं सब्सक्राइब के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करके जाते हो, देखते हो वीडियो, हाँ अच्छे लगते हैं आपको, समझती हूँ मैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो जी, और आज देखो मैंने बाल भी नहीं बनाए हैं क्योंकि आज पूरे दिन से मुझे फुर्सत ही नहीं लगी सोने से। रात को बाबू ने बहुत बहुत ज़्यादा परेशान किया इस छोटे लाले ने। ठीक है, पूरी रात नहीं सोने दिया। एक तो यस्सू 12:30 के बाद वो सोई है, देखो मेरी आंखों के नीचे काले गिरे। ठीक हो रहे हैं पहले से तो देखो शुरू करते हैं। तो जी, सबसे पहला नंबर है बाबू के कपड़ों का। ठीक है, मैं एक बार फ्रंट वाला, वो जो सामने वाला कैमरा है ना, वो ऑन करके दिखाती हूँ आपको, ऐसे तो सामने नजर नहीं आएंगे ढंग से। तो जी, ये बहुत ही प्यारी ड्रेस है बाबू की, मतलब सर्दियों की। इस साल तो नहीं आएगी ये, अगले साल इसको आएगी, पर हाँ बहुत प्यारी है। अगर बाबू लड़की होती ना तो लड़की को मतलब पहना सकते थे हम, अभी भी पहना लूँगी मैं। लड़की के टाइप की है, बटन वटन लगाए हुए हैं ना, पर हाँ अगले साल आएगी बाबू को ये। तो भाई, ये सबसे पहले बाबू के कपड़े, ठीक है, इनको वापस फोल्ड कर देते हैं। और इसके साथ पैंट भी है देखो। और इसके बाद में ये वाली साड़ी है मेरी, मतलब ये वाली साड़ियाँ सभी के लिए, ये वाली साड़ियाँ आई हैं वहाँ से, जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं ना सभी के लिए ये साड़ियाँ हैं। ये एक साड़ी मेरी है उनमें, ठीक है। और ये क्या है, अभी मैं देखती हूँ। ये कुछ स्वेटर जैसा लग रहा है मुझे, मैंने अभी तक चेक ही नहीं किया इसके, वो भी धागा भी नहीं खुला है, वो नार मोली वोली बांध के देते हैं ना, तो वो भी ऐसे कैसे बंधी हुई है। तो हाँ जी, ये है मेरी स्वेटर। ठीक है, काफ़ी अच्छी है, अभी तो नहीं पहनने वाली, अगली सर्दी में, क्योंकि अभी तो सर्दी चली गई, जापे से उठूंगी तब तक सर्दी आराम से चली जाएगी। अभी कम से कम होली तक कि तो ठंड है ही, लेकिन इतनी भी ठंड नहीं है कि नई स्वेटर जापे में पहन के बैठ जाऊँ, है ना। तो ये अगले साल काम आएगी, अच्छी है, कलर भी अच्छा है। तो जी, एक ये स्वेटर है मेरी। ठीक है, और इसके अलावा ये आपकी यस्सू के कपड़े, ये भी यस्सू को अगले साल आएंगे, सर्दी के है ना, तो अभी तो वैसे भी इसकी लेंथ के हिसाब से नहीं आ पाएंगे अगले साल। सही, बिल्कुल सही तरीके से लेके दिए हैं क्योंकि अगले साल काम आ पाएंगे ना, नहीं तो अगर इसी हिसाब से देते, इस साल के देते, तो ना इस साल पहने जाते ना अगले साल पहने जाते। वैसे भी जो हमारे पेरेंट्स, मतलब मेरी मम्मी भी जब कपड़े खरीदने जाती थी ना, तो साल के एंड में ज़रूर कपड़े खरीदती थी। एक तो मतलब फ़ायदा ये होता है कि जाते हुए सीजन में कपड़े अभी अच्छे मिलते हैं, और दूसरी बात कि अगली साल के एक बड़ा साइज़ मिल जाता है। तो मेरी मम्मी भी ख़रीदा करती थी हम, और मेरे अर्जुन के बिल्कुल साथ साथ कपड़े ख़रीदा करती थी। अब बात अलग है, वो बड़ा लंबा हो गया मेरे से और मैं छोटी रह गई। वैसे आप लोगों को बता दूँ, हम दोनों में से बड़ी मैं हूँ, अर्जुन से बड़ी हूँ मैं, अरुण से छोटी हूँ, रेनू से छोटी हूँ, 3rd नंबर पर हूँ मैं। ठीक है, तो जी ये यस्सू के कपड़े हैं, काफ़ी अच्छे हैं, और
उसके बाद ये शर्ट है, शर्ट क्या इसको क्या बोलते हैं, अरे जैकेट टाइप में है ये, स्कूल पहन के जाते हैं इन्होंने, मतलब इन्होंने तो अपना वही पहन भी ली, स्कूल जा भी आई एक बार पहन के, इसमें से पसीने की भी आ रही है, मतलब सही आ, इतने इतने पसीने की नहीं आ रही, एक ही दिन पहन गए, मजाक कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये इनके लिए आया है गिफ्ट, तो जी सभी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट थे। और हाँ ये तो मैं भूल ही गई, एक सेकेंड, ये इनकी रिंग है, ठीक है देखो, मेरी शादी के टाइम पे भी आई थी, मतलब सभी के लिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा होता ही है हमारे मतलब समाज के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा एक सेकेंड, ये यीशु की पायल भी आई हैं, बहुत प्यारी हैं, ठीक है, ये वाली पायल आई हैं यीशु के लिए, और मेरे लिए भी आई हैं भैया कुछ चीज़, तो एक सेकेंड, क्या है ना, मैंने ट्राईपोड नहीं ले रखा, वो ऊपर रखा हुआ है और मेरी हिम्मत नहीं है अभी चढ़ने की, तो मेरी भी पायलें हैं, खोल के दिखाती हूँ एक सेकेंड आपको। हमने कुछ मांगा नहीं था, आप लोग ये सोचते होंगे तो कि कहीं कुछ मांग के लिया है, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ये खुद से कोई देते हैं ना उनमें से हैं, आप लोगों को पहले ही मैंने बताया है। तो ये वाली पायल है मेरी, ये पायल आई है एक मेरी,